भाड़ा चलेगा? चलेंगे ना साहब, लेकिन 150 रुपया लगेगा। अरे यार 200 ले लियो, जल्दी चल। ठीक है, चलने के लिए तो बैठे, चलो। तू मुंह क्या देख रहा है? इसे स्टार्ट कर। अब मैडम को क्या हुआ? मैं चुपचाप, तू ऑटो चलाना। अरे साहब मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे लगा मैडम सो रही होंगी, आप तो गुस्सा ही करने लगे। मैं इसकी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा जल्दी चला, कोई शॉर्टकट हो तो वहां से ले ले। लेकिन साहब सेक्टर 50 में कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, मैं तो वहां आता जाता रहता हूँ। मेरे भाई लास्ट वीक ही खुला है, तू डॉक्टर है, सब पता रहेगा तुझे। अरे साहब खैर जाने दो, वैसे ये बताओ मैडम आपकी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है? क्यों, तुझे क्यों बताऊं हर बात? क्या बात है साहब, सही लड़की फंसाई है, वरना कहां आप और कहां मैं। क्या बकवास करे जा रहे है सब, अरे काम से काम रख, जल्दी पहुंचा ऑटो। लो साहब, नहीं बोलता मैं, वैसे आप बोलो तो इधर शॉर्टकट ले लूं। ले ले भाई, जल्दी ले। ठीक है। हेलो, हाँ हाँ लड़की मेरे साथ है। ठीक है ठीक है, आगे देखना। एक मिनट में बात करके आया। कहाँ लेके जा रहा है इसको? क्या है भाई, किडनैप विडनैप कर रहा है क्या इसको, हैं? और ये बेहोश क्यों है, कौन है ये? अरे नहीं सर, यही पास ही में जाना है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इनकी तबीयत खराब है, इसलिए हॉस्पिटल जा रहे थे। वो पुलिस वाला तेरे सामने खड़ा है फिर भी तू झूठ बोल रहा है? मैडम छोड़, उठा इसको, उठनी चाहिए या नहीं तो तुझे उठा दूंगा आज। साहब पानी से उठा लो, बहुत देखा है फिल्मों में, हो सकता है होश में आ जाए। मैडम उठ जाओ, मैडम होश में आओ, मैम उठो। उठ गई? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बोलो मैडम कौन है ये? अरे बताएगा कौन है, मुँह खोल। साहब मुझे तो पहले से शक हो गया था इसके ऊपर, ये बहुत जल्दीबाजी कर रहा था और मैडम कुछ बोल नहीं रही थी। मैडम आप एक बात बताओ, आप हो कौन और इसको जानती हो कि नहीं जानती हो? सर मैं तो इसके साथ डेट पे आई थी और बस मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं एकदम बेहोश हो गई। अरे लड़कियां किडनैप कर रहा है तू, हैं? आज तुझे थाने में ले जाके तेरा भूतना भर दिया ना तो बताता तुझे। मैडम पहले तो आप इसका थैंक यू करो, इसकी वजह से बची हो आज आप। और भाई आज बचा लिया तूने मैडम को, ऐसे कभी भी किसी पे भी शक हो तो फोन घुमा दियो पुलिस को। और तू बेटा चल थाने, चल। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी मदद करी, वरना आज तो पता नहीं ये लड़का मेरे साथ क्या ही करता। थैंक यू सो मच भैया। अरे इट्स ओके मैडम, मैंने आपको प्रॉब्लम में देखा तो मैंने मेरा कर्तव्य निभाया, आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं उसके लिए भी यही करता। थैंक यू सो मच भैया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, वरना आज के टाइम में कौन किसके लिए इतनी मदद करता है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं मैडम, जब तक हमारे जैसे लोग इस देश में है तब तक किसी के साथ कोई गलत नहीं हो सकता। चलो घर छोड़ देता हूँ आपको, शाम भी बहुत हो गई है, कहीं रात में कोई दिक्कत हो जाए आपके साथ। चलो चलो
चलिए भैया।